हेलो एवरीवन, मैं शशि स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से 3 नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ते हैं, एक नेशनल पार्क लाहौल स्पीति के स्पीति में पड़ता है और जो 5th नेशनल पार्क का डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क एक प्रोटेक्ट एरिया होता है जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रोटेक्शन की जाती है। तो वन बाय वन एक एक नेशनल पार्क पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पहला नेशनल पार्क पढ़ेंगे यहाँ पे हम, वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। देखिए, अगर आपको ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जिसका एरिया अभी में इंक्रीज हुआ था। तो अभी जो वर्तमान में इसका जो टोटल एरिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और अगर बात की जाए कि एरिया वाइज लार्जेस्ट नेशनल पार्क, तब भी राइट आंसर क्या रहेगा? एरिया वाइज लार्जेस्ट नेशनल पार्क। तो एरिया वाइज लार्जेस्ट नेशनल पार्क आएगा आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ये जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, कब बना था? तो 1984 में ये नेशनल पार्क बनाया गया था। पर इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? तो नेशनल पार्क का दर्जा मिला 1999 में। यूनेस्को के अंडर कब आया था? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, बहुत बारी पेपर में पूछा भी गया है कि जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यूनेस्को के अंडर कब आया था, तो 23 जून 2014 में से यूनेस्को के अंडर डाला गया था। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड हेरिटेज, कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, याद रखेंगे यहाँ पे 11th लिखा है। देखिए, यूनेस्को के अंडर आया था 23 जून में, इसका उल्टा करेंगे 32 आएगा, तो पूरी कितनी वर्ल्ड की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी? 32 थी। पर अगर आपको पूछा जाए कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी, तो 11th रैंक आएगा इसका इंडिया में। ठीक है जी, 11th नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट रही आपकी कौन सी? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। अगर हम बात करें कि सैंस वैली में इंटीग्रेशन सेंटर भी खोला गया है, और 2010 में जो आपका सैंज और तीर्थन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसे इसमें ऐड किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हम बात भी करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, उनको भी सारा का सारा पढ़ेंगे। और अगर हम स्पीसीज की बात करें, यहाँ क्या क्या मिलेगा, कौन कौन सी आपके जीव जंतु या पेड़ पौधे किस किस से संबंधित, जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो स्नो लेपर्ड्स के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है आपका हिमालयन ब्राउन बियर और ब्लू शिप आदि यहाँ पे पाई जाती है। तो अगर हम बात करें अगला नेशनल पार्क, तो नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है यहाँ पे, वो है पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। देखिए, ये नेशनल पार्क कब बना था? तो पिन वैली जो नेशनल पार्क है, लाहौल स्पीति के स्पीति में पड़ता है, और ये जो नेशनल पार्क बनाया गया था, इसे बनाया गया था 1987 में। देखिए, जो पिछला नेशनल पार्क था, उसे 1984 में बना था वो, बट उसे नेशनल पार्क का जो दर्जा मिला है, वो 1999 में मिला है। किस नेशनल पार्क को? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को। इसीलिए जो हिमाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, वो कौन सा आता है आपका? पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि स्पीति में पड़ता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, वो है 1825 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, 3 जोन होते हैं, जिसमें से कोर जोन के अंतर्गत आता है 675 स्क्वायर किलोमीटर, और बफर जोन के अंतर्गत आता है इसका 1150 स्क्वायर किलोमीटर। अगर पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि पिन वैली नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो सीधा लिखेंगे वहां पे 675 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पर अगर बफर जोन और आपके पास कोर जोन अलग अलग से पूछा, तो यही आएगा दो, और टोटल जो एरिया आएगा इसका, इन सबको मिलाकर के वो आएगा 1825 स्क्वायर किलोमीटर। इसे और क्या बोला जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, होम ऑफ द स्नो लेपर्ड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए, लाहौल स्पीति में जो आपका शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट है, अगर ये पूछा जाए कि कोल्ड डेजर्ट में कौन सा नेशनल पार्क आएगा, तो पिन वैली नेशनल पार्क जो आपका कोल्ड डेजर्ट में पड़ता है। किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? स्नो लेपर्ड्स के लिए, रेड फॉक्स के लिए और ब्लू शिप के लिए यह जाना जाता है। ठीक है जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है, नेक्स्ट नेशनल पार्क है इंद्र किला नेशनल पार्क। देखिए, इंद्र किला जो नेशनल पार्क है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुल्लू में 3 नेशनल पार्क पड़ते हैं, एक हमने पढ़ लिया ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज। अगर हम इंद्र किला नेशनल पार्क की बात करें कि ये नेशनल पार्क कब बना था, तो इंद्र किला नेशनल पार्क बना है 2010 में, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है 104 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है। और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आपकी कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स के लिए जाना जाता है। और क्या क्या यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि ब्राउन बियर हो गया, ब्लैक बियर हो गया, माउंटेन डीर और गोट्स के लिए सारा प्रसिद्ध है। कौन सा नेशनल पार्क आपका? इंद्र किला नेशनल पार्क। नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है, नेक्स्ट नेशनल पार्क है आपका
खीर गंगा नेशनल पार्क, ये जो खीर गंगा नेशनल पार्क है ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, और ये नेशनल पार्क भी कब बना था, 2010 में से नेशनल पार्क बनाया गया था। और इसका जो कुल क्षेत्रफल टोटल एरिया कितना है, 710 स्क्वायर किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। अगर हम बात की जाए किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वाइल्ड वियर के लिए, स्नो लेपर्ड्स के लिए, ब्लू शिप के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात करेंगे, और अगला नेशनल पार्क है यहाँ पे सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। देखिए बहुत ही जरूरी है और पेपर में पूछा भी जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क, या इसका एक और नाम भी है कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क। तो अगर ये भी पूछा जाए कि कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से किसको जाना जाता है, तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे पड़ता है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पोंटा वैली में पड़ता है आपका ये कौन सा, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाया गया था इसे 1954 में, फिर इसके बाद इसे फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1974 में, और इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला है आपका, 2010 में। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका 2788 स्क्वायर किलोमीटर, और क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और जैसे कि आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट कौन सा आएगा, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश आएगा आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और कोल्ड डेजर्ट में कौन सा पड़ेगा, तो पिन वैली नेशनल पार्क। और आपका ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा आएगा, तो आपका पिन वैली नेशनल पार्क, आपका ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 2788 स्क्वायर किलोमीटर, जैसा कि अभी बताया। अगर बात की जाए किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका ब्लैक बियर हो गया, आपका डीर, इनके लिए नेशनल पार्क जाना जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें और